बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के भेजे हुए, उसमें से कुछ ले लेंगे। पर पहले कुछ देर संकीर्तन में आप लगिए। संकीर्तन मीन्स सिंगिंग फ्रॉम हार्ट, ओके। राधा रमण कृष्ण का एक नाम है। बहुत लोग सोचते हैं किसी राधा का वो रमण है। नहीं नहीं नहीं, राधा माने भक्ति, सिंपल। राधा मीनिंग नॉट अ वुमेन बट भक्ति। सो इफ यू हैव भक्ति, यू आर राधा इन रमण। श्री कृष्ण भगवान रिजाइड्स इन यू। सो आज संकीर्तन इस भाव से गाना। किसी राधा का कोई रमण हमको क्या लेना देना, पर मैं तेरी राधा बनूं तो फिर एक मोहब्बत का रिश्ता बनता है। और असल में राधा का अर्थ भी ये है, भाव भी ये है, रूप भी ये है, स्वरूप भी यही है, भक्ति। सो इफ यू हैव अ ग्रेट डिवोशन इन लव, देन यू आर राधा। यू कैन बिकम अ राधा एंड कृष्ण इज राइट विद इन यू। सो we will be celebrating this our divine love for our Lord who is in me. तो उस कृष्ण के नाम का संकीर्तन करेंगे जो मुझ में है और मैं जो उसका भक्त हूं। तो भक्त भगवान एक, तो ये एकता का, प्रेम का संकीर्तन है। Out of rhythm, never.
Oh,
हर ई हर ई हर अर्थ होता है जो ले लेता है। हरण हरण उठाया जाना, हर ई हरी जो मेरे दुख शोक संताप को हर लेता है उठा लेता है वो है हरी। जो मेरे अज्ञान अविद्या का हरण कर लेता है सो है हरी। एक दृष्टि से सदगुरु भी हरी है, हरता है ना अज्ञान को अंधकार को विषय को वासना को हर लेता है। जो मेरे दुख शोक अज्ञान अविद्या को हरे उस हरि का नाम सद्गुरु। जो मेरे तमाम अंधकार का निवारण कर देता है सो है सद्गुरु रूप हरि। तो हरि नाम ईश्वर का भी हरि नाम गुरु का भी। अब आपके प्रश्न लेते हैं। गुरु जी हाउ कैन वी कम आउट फ्रॉम फियर ऑफ डेथ? By knowing who you are, simple. If you know yourself as body, the fear of death will be there. And if you realize you are not body, then there is no fear. What fear? शरीर बन के जियोगे तो मृत्यु का भय है, रहेगा, हमेशा रहेगा। मैं शरीर हूं ही नहीं, देह मेरी है ही नहीं, मैं देह हूं नहीं, अब किसकी मृत्यु? मेरी नहीं, देह की होगी, देह की हो सकती है, पर जब मैं हूं नहीं देह, तो फिर देह के मरने का भय मुझे नहीं। मुझे भय तब तक है जब तक इस शरीर के साथ मैं अपने आप को जोड़ के रखता हूं। सबसे बड़ा कारण हमारे दुख का है भी यही ना। फर्स्ट यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद बॉडी, देन यू से ओ आई माई नॉट डाई, ओ समबडी इंसल्टेड मी, समबडी सेड बैड वर्ड्स टू मी, नाउ हु इज दिस मी? शरीर बॉडी द नेम गिवन बाय सोसाइटी, यू से दिस इज मी, दिस इज नॉट यू। दो महीना अन्न खाने को ना मिले शरीर नहीं रहता, पानी खत्म हो जाए मर जाता है। अन्न पानी मिट्टी हवा अग्नि से बने इस देह को मैं मानना ये सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को दूर नहीं करोगे तो वह कभी नहीं जा सकता। वो हनुमान चालीसा कर लो वह चला जाएगा, भाई दिल की खुशी कर लो। रामायण में तुलसी कहते क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। क्षिति जल पावक अग्नि समीर पंच तत्व, ये अधम शरीर तो इससे बना है और तुम इसे कहते हो मैं, अब मरो। बिनसने वाले को मैं मानोगे तो रोना पड़ेगा। So as long as this identification with the physical body is strong, the fear is going to there, be there and will haunt you. देखो अभी आप यहाँ कोई 2200 करीब लोग बैठे हो, अपने जोड़ लूँ बाकी सब जोड़ लूँ तो करीब 2250 समझ लो, राउंड फिगर कर लेना, तेरी ना मेरी 2300। जब तक आप होश में हो तुम सब अलग अलग हो,
हमें सबके नाम पूछने लगूँ तो सब अपने अपने अलग 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 नाम, अलग 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 आइडेंटिटी, घर परिवार जाति पैसा रुपया, हाँ सब अलग अलग सबका। अच्छा आप सब 2300 लोग यहाँ सो जाओ गहरी नींद में, फिर कौन हो तुम? साफ। योर डिफरेंसेस ऑफ आइडेंटिटीज आर बिकॉज ऑफ द माइंड एंड द बॉडी। इफ दिस माइंड गोज इन टू डीप स्लीप यू डोंट हैव एनी डिस्टिंक्टिव यूनिक आइडेंटिटी डिफरेंट फ्रॉम एनीबडी, देन यू आर ऑल वन एंड सेम। एक ही हवा में सांस ले रहे, एक ही धरती पे बैठे हैं, एक ही आकाश के तले जी रहे, एक ही पानी पी रहे, एक ही भोजन खा रहे हैं सब। पर इन पंच तत्वों के शरीरों में ये जो मन है, इस मन रूपी बुलबुले में सबकी अलग मैं चल रही मन की वजह से। पानी एक है, बूंद में बड़ी छोटी, लहर में बड़ी छोटी, जाग में बड़ी छोटी, भंवर में छोटा बड़ा भंवर, पानी तो पानी है।